तो यहाँ पे सर मेरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज एक्चुअली मेरा फर्स्ट जो लाइफस्टाइल ब्लॉग वाली वीडियो है वो अपलोड हो रही है फाइनली, इतने टाइम बाद। वो कब से ये वाला चैनल लॉन्च करना था और ये बाई कोई ना कोई रीज़न मेरा हो नहीं पा रहा था। एंड फर्स्ट आज जो है मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड हो रहा है, लॉन्च हो रही है। तो ये है, सेट कर रहे हैं। थैंक यू, वेलकम। आई होप यू विल लाइक इट एंड एंजॉय द वीडियो एंड द ब्लॉग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक दिस वीडियो एंड to upload this video, so definitely we need your support, help and your suggestions too in the comment box. क्योंकि आप लोग जब तक ये देखोगे तब तक, क्योंकि ये बहुत बाद में ये वीडियो आप लोग देखोगे, तो ये भी lifestyle blogging का ही एक वीडियो है, but यही पहला वीडियो है जिससे ये lifestyle blogging वाला चैनल शुरू हो रहा है और इसकी शूट आज हो रही है। तो ये वीडियो जो चीज़ आज आप देख रहे हो ये तो बहुत देर बाद होगी, इसकी पता नहीं इसकी टाइम कब आएगी, बट हम क्योंकि हमारी काफ़ी सारी वीडियो शूट हो रखी है और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी सबको एडिट करके, बिलीव अस, लाइक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लॉन्च करने वाले हैं एंड यू विल डेफिनेटली आर गोइंग टू love it and like it and definitely you are going to explore lot of things, places and the food with us. Exactly. हम वही कोशिश है हमारी कि हम आपको, क्योंकि हम लोग थोड़े से हैं मतलब एक्सप्लोर करते हैं फूड और हम लोग थोड़ा सा ट्रैवलहॉलिक भी हैं, तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम आपको भी हमारे साथ सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाएं। जो चीज़ हम करते हैं तो वर्चुअली हम उस चीज़ का मज़ा आपको भी दे, तो यही हमारी कोशिश है। तो चलिए जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाए तो देखते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं। सो गुड इवनिंग गाइस, इवनिंग हो गए हैं और हम निकल पड़े हैं, कुछ तो करना है इवनिंग को। और आज तो वैसे भी सेलिब्रेशन बनता है क्योंकि आज मेरा पहला ब्लॉग जो अपलोड हुआ है, जो ये आप लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग्स देख रहे हो इसका पहला वाला ब्लॉग आज ही अपलोड हुआ है। ये वाला ब्लॉग तो आपको काफ़ी बाद देखने को मिलेगा, बट आज ही के दिन मेरा पहला ब्लॉग अपलोड हुआ है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। तो हम जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, तो हम जा रहे हैं यहाँ पे जो नया कॉफ़ी हाउस ओपन हुआ है राजरहाट पे, न्यू टाउन, ये सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ, वहाँ पे चलते हैं, वो काफ़ी हैपनिंग है सुना है हमने भी, तो चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो मैं हूँ सेट, ड्राइव कर रहे हैं। Hey, good evening everybody. अभी हमारे साथ भाभी भी है, भैया नहीं आए क्योंकि गाड़ी में एडजस्ट नहीं होंगे, पर मैं तो फ्री फोकट में हर जगह पहुंच जाती हूँ। हमारी पोटेंशियल गाइड है, पोटेंशियल गाइड नहीं, शी इज द प्रिंसेस ऑफ आवर हाउस एक्चुअली। हम कुछ भी उसके बगैर सोच ही नहीं सकते। तो एक्चुअली मैं जब बहुत ही छोटी थी, बहुत मतलब आई वॉज जस्ट लाइक, तब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, आई वॉज इन क्लास 8 आई गेस ऐसे ही कुछ 7-8 होंगी, तभी भाभी शादी करके आई थी। बिल्कुल ही वो मेरी प्रिंसेस है। भाभी भी बहुत यंग एज पे ही शादी करके आई थी। नो, तो
यही है, तो चलिए चलते हैं और क्या, तब तक आप व्यू एंजॉय करो क्योंकि ये व्यू राजरहाट वाला ना बहुत अच्छा है, तो आप तब तक व्यू एंजॉय करो। हाँ, यहाँ पे लाइटिंग और अच्छी लगा रखी है, लाइटिंग पीछे गई जब तक कैमरा ऑन किया तब तक पीछे लाइटिंग चली गई। यहाँ सीरियसली कौन, मतलब अगर किसी के पास खुद की मतलब गाड़ी ना नहीं से तो अस्थि पार में ना, अगर कारो का नीचे कन्वेंस नहीं से तो अस्थि पार में ना बोलो। क्या ये तमूरा लेके खड़ी हो, बिल्कुल पहुंचे नहीं, जब पहुंचेंगे वहां पे फिर चलाना ठीक है। हेलो गाइस, लोग अपने गाइस बोलो, ये स्लैंग ही निकाल देंगे सब बाहर, बोले गाइस ना बोलना आज के बाद से कोई किसी को नहीं। ना झट को जुल्फ से पा के मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाए। हम लोग फिर वहीं पर पक्का पकड़े चालान काट लेंगे, बोलेगा भाई इतना चक्कर काट के रहो तुम सारे, पक्का तुम टेररिस्ट हो, तुम्हारा चालान जरूर काटूंगा मैं आज, तीसरी बार आए हो तुम यहाँ पे। नहीं अभी हम श्योर है कि हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं। आई डोंट नो, मैंने गूगल से नेविगेट किया है, आई डोंट नो। अच्छा भैया नहीं तो चार गाली मारते यहाँ पे खड़े। ये दिखा रहा है अमिटी यूनिवर्सिटी के पास। अरे मुझे किसी से होता है, मुझे किसी से तो टेंशन नहीं, मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है कि जो नेविगेट किया गया था पहली बार उसमें हम बहुत ही गलत जगह पहुंच गए थे, किसी का घर था वो, आई डोंट नो बाई गूगल। अच्छा ये तुम रिकॉर्ड कर रही हो? यस। सो बाई गूगल ने ऐसा हमें दिखाया, आई डोंट नो, बट अब दोबारा हमने नेविगेट किया है तो हम वापस 5 किलोमीटर बैक आ रहे हैं। गूगल तुम्हारा सारे अकाउंट क्लोज कर देगा। वो हम ही से कुछ गड़बड़ हुआ होगा। इट शोज दैट वी आर इंडियन एंड वी फॉलो द इंडियन पंक्चुअलिटी, राइट गुड़िया? यस। सो आगे से राइट है, टर्न राइट ऑनटू स्वीयर रोड स्ट्रीट नंबर 335। सो अभी समझ में आ रहा है कि हम लोग कहां से गलत टर्न लिए हैं। नहीं मत बोलना, बहुत लंबा आ गया है। तो हम लोग घर, अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बुढ़िया सी कॉफी हाउस, कहाँ गई? अंधे है हम लोग, अंधेर नगरी चौपट राजा। सो फाइनली हम सही रास्ते जा रहे हैं। My God. और बनाओ भूत बंगला। भूत बंगला ढूंढ नहीं सकते ना, ये कौन से चूल्हे में बनाया है भगवान जाने। हाँ तो ऐसी जगह पे कौन कॉफी हाउस रखता है यार, कौन जाएगा कॉफी पीने के लिए? कोई लैंडमार्क नहीं है, कुछ नहीं है, अभी भी ब्याह तो उचित चलो छुट्टी पे, और बड़ा बड़ा प्लेकार्ड लगाओ, और थोड़ा बड़ा बड़ा इतना छोटा सा कॉफी हाउस वाला प्लेकार्ड लगाने से क्या होगा? और क्या, जिसकी आई साइड वीक हो कैसे बताओ? हाँ, चश्मा भी नहीं पहना मैंने। हाँ, मैं नकली चश्मा पहन रहा, मैं नकली चश्मा पहन कर टच मार रहा हूँ। अबे अपना मत दिखा, आगे दिखा लाइटिंग छोरी। ओ रे छोरी, वी हैव रीच्ड, ये है गाड़ियों की पार्किंग कतार कतार।
कतार में हम भी खड़े हो जाए, ये लगा दो, यहाँ लगा यार, घूम जाओ, लगा दे, ये है तो इधर लगा दीजिए, हाँ आगे है ना, ये है तो ये है, नहीं ठीक है, इट्स ओके, आगे जगह नहीं लगा रही गाड़ी, अरे नहीं है भाई वहीं पे अच्छी तो जगह थी, कहाँ जगह है, तो हम आ गए हैं, आइसक्रीम वाले भी बैठे हैं, अगर किसी का स्टॉक खत्म हो गया तो आइसक्रीम खा के जरूर जाइए, हाँ आप नहीं समझे, हाँ हमारी तरह अगर लेट हो गए हो और अगर आपकी स्लॉट खत्म हो जाए तो आप आइसक्रीम खा के भी जा सकते हो। चलिए चलिए चलिए, सो वी हैव रीच्ड, और इसमें क्या हुआ, जल्दी जल्दी में उतरने में मेरा जो स्टैंड है जिसको होल्ड करके मैं शूट करती हूँ वो टूट गया। सो फ्रेंड्स, आप ये मेन्यू कार्ड ले सकते हैं कॉफी हाउस का, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, एंड उसका मोमीज तो आपको दिखाई दिया है, तो लाइक मोमीज के हिसाब से इसका प्राइसिंग बहुत ही नॉमिनल है, वेरी गुड, एंड इवन ट्रस्ट मी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सो दीज आर द फूड वी हैव ऑर्डर, ये है फिश फिंगर और ये है चिकन पकौड़ा और ये है हॉट कॉफ़ी और एक कोल्ड कॉफ़ी भी हमने ऑर्डर किया है। तो ये फिश फिंगर है, ये है प्राइस भी मैं बता देती हूँ, ये फिश फिंगर है 180 रुपीज़ का है और ये चिकन पकौड़ा विद बोन है, ये है आई गेस 150 रुपीज़ का, कॉफ़ी जो है 30 रुपीज़ के हैं और कोल्ड कॉफ़ी जो है वो 60 रुपीज़ का है। तो ये हम खाते हैं, टेस्ट करते हैं और चलो टेस्ट करो, टेस्ट करके बताओ कैसा है, टेस्ट करो, स्टार्ट करो, करो हैवी स्टार्ट करो, बताओ कैसा है, बस एक ही चीज, करो वेरी नाइस,
कोल्ड कॉफी कॉफी हाउस हो कॉफी मेन है सो द कॉफी इज नाइस बट थोड़ा और कॉफी ये लोग मिला सकते हैं मतलब थोड़ा हार्ड होना चाहिए हार्ड हो सकता है बट ये लोगों ने बहुत ही लाइट बनाया तो अगर आपको चाहिए तो इन लोगों को हार्ड कॉफी चाहिए ओके चलिए फिर हम इस फूड को एंजॉय करते हैं और इस प्लेस के बारे में बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ बिजी है फोटोशूट में तो अभी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं तो फटाफट से एक रिव्यू हम दे देते हैं कि आप लोगों ने देखा जो भी हमने फूड ऑर्डर किए थे सबका रिव्यू हम दे चुके हैं तो एक क्विक रिव्यू हम दे देते हैं तो यहाँ आने के लिए हमने बुक बाय शो से बुक करवाया था जिसके लिए पर हेड हमने 20 रुपीज दे के बुक करवाया था जो कि 5 तारीख से 5 जनवरी से नॉन रिफंडेबल हो गया है पहले ये था कि वो अमाउंट आपके बिलिंग अमाउंट से एडजस्ट हो जाएगा पर अब वो नहीं हो रहा है वो अमाउंट जो है अब आपका नॉन रिफंडेबल हो गया है सो दैट्स हमें गलत लगा तो और बाकी जो है फूड हमें सही लगा थोड़ा और बाकी एम्बियंस तो बहुत अच्छा है तो आप आ सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं दैट्स इट फॉर टुडे सो फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ फिर नए कुछ वीडियो लेके नए कुछ मस्ती के साथ आपके साथ आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट